श्री क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती समारोह में आयोजित आज इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक, हम सब के प्रेरक और समाज के मार्गदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह जी, मंच पर उपस्थित क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह जी बेनिया का बास, श्रद्धेय महावीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने लाखों की संख्या में उपस्थित आप सभी समाज बंधुओं का और बहनों का, जिनके हृदय में इस क्षात्र धर्म की अग्नि प्रदीप्त है, मैं उस अग्नि को और आप सबके मन में जो दैवीय तत्व मौजूद है उसको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, श्रद्धेय महावीर सिंह जी ने जब श्री क्षत्रिय युवक संघ की 75 वर्ष की इस यात्रा का वृतांत हमारे सामने रखा, 21 साल के एक युवक के मन में समाज के भविष्य को, आने वाली चुनौतियों को और पिछले 5000 साल से जो क्षरण समाज में हो रहा है, समाज के चरित्र में जो पतन लगातार हो रहा है, उसके कारण से बनने वाली चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए जो विचार उनके मन में कौंधा, आज वो विचार 75 साल तक अनवरत साधना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा है कि उस 75 साल की साधना का प्रतिसाद करने के लिए आज देश के कोने कोने से और राजस्थान की सुदूर गांव ढाणी से हम सब लोग यहां श्री क्षत्रिय संघ के हीरक जयंती समारोह में उपस्थित हुए। मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा समय हो सकता है। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी सनातन मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के अनुसार 75 साल के इस कालखंड में व्यक्ति के जीवन के 3 चरण पूरे हो जाते हैं। लेकिन एक संगठन के जीवन में 75 साल का कालखंड महत्वपूर्ण निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में उसकी जितनी विशालता है वो निश्चित रूप से उसके अनुकूल, उसके अनुरूप नहीं हो सकती। और एक ऐसा संगठन जो समाज में निरंतर चलते प्रवाह को, प्रवाह के और वातावरण के विपरीतता के होते हुए भी समाज में संस्कार निर्माण के लिए काम कर रहा हो, निरंतर गंगा में जिस तरह से जल का प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह को स्थिरता जो दिखाई देती है, उस स्थिरता के साथ में, उस स्थिरता के साथ में खड़े होकर के जो संगठन समाज के निर्माण के लिए काम कर रहा हो, उसके जीवन में इस प्रतिपल परिवर्तनशील समाज के जीवन में ऐसे संगठन के लिए 75 साल का कालखंड बहुत लंबा कालखंड नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी समाज में संस्कारों का निर्माण और समाज चरित्र के को बनाए रखने के इस चुनौतीपूर्ण कार्य को और धारा के विपरीत तैरने के समान कठिन इस कार्य को, 5000 वर्षों के क्षरण के इस प्रवाह के विपरीत समाज में चरित्र निर्माण के इस प्रवाह को, समाज में संस्कारों के पुनर्स्थापन के इस प्रवाह को श्री क्षत्रिय युवक संघ ने जिस तरह से किया, जिस तरह से पिछले इतने वर्षों में समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम किया है, आज हम सब लोग यहां उसे नमन करने के लिए एकत्रित आए। मित्रों, संस्कार संस्कृति से निकला शब्द है और संस्कृति भूषण भूत है इति संस्कृति, ऐसा कहा गया है कि हमारे पूर्वजों के वे गुण जो हमें आज भी प्रेरणा देते हैं, वे गुण हमारे संस्कार हैं।
ऐसे सारे गुणों का जो पिछले इतने वर्षों की विपरीत अवस्थाओं के कारण से कहीं ना कहीं मलिन हुए, उन सारे गुण चाहे त्याग, बलिदान, दायित्व बोध, पर दुख कातरता, तेज, शौर्य, धैर्य, संघर्ष प्रियता, श्रेष्ठता की रक्षा और श्रेष्ठ का वरण, धर्म, इन सब के साथ में सबके प्रति ईश्वरीय भाव, ये सब जो गुण हमारे पूर्वजों के आभूषण थे, इन्हीं गुणों ने उन्हें कालजयी और अमर बनाया। आज जिन लोगों का नाम लेकर के, जिन लोगों के स्मरण मात्र से न केवल हम लोग, न केवल क्षात्र धर्म को मानने वाले लोग, अभी तो पूरा देश और देश ही नहीं विश्व भर के लोग जिन गुणों को धारण करने वाले ऐसे कालजयी चरित्रों का स्मरण करके रोमांचित होते हैं, उन गुणों को वापस हम अपने समाज में, समाज के लोगों में किस तरह से प्रतिस्थापित कर सकें, इसके लिए क्षत्रियो संघ काम कर रहा है। मित्रों, आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ये जो गुण समाज, जो गुण, जो व्यक्ति के गुण हैं, वो गुण सूत्रों के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियां उन माता पिता द्वारा अर्जित संस्कारों को कहीं न कहीं उनको सुसुप्त करने का काम करती हैं, और श्री क्षत्रिय संघ उन सारे संस्कारों को वापस अनुकूल वातावरण दे करके वापस पुनर्स्थापित कर पुनर्जागृत करने की साधना में रहते। मित्रों, उपयुक्त वातावरण मिलने से श्री राम, श्री कृष्ण, विश्वामित्र, शिवी, हर्ष, मिहिरभोज, महावीर, बुद्ध, प्रताप, छत्रसाल, आल्हा, उदल, पाबू, हड़बू, ऐसे अनेक नाम, ऐसे अनेक चरित्र, जो चरित्र अमर हो गए, जो चरित्र कालजयी हो गए, उनके जो गुण हम सबके मन में देवीय तत्व के रूप में कहीं ना कहीं सुसुप्तावस्था में है, उन सब गुणों को पुनः जागृत करने की साधना में श्री क्षत्रिय संघ संस्कार निर्माण की पाठशाला के रूप में काम करता है। शाखाओं में, शिविरों में और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे अनुकूल वातावरण देकर ऐसे गुणों में का सहज संवर्धन की चाह जो है, ये यात्रा निश्चित रूप से कठिन है। लेकिन परम पूजनीय तनसिंह जी का दिया हुआ वो विचार और परम पूजनीय तनसिंह जी का दिया हुआ ये मार्ग, जो संस्कारमयी कर्ण प्रणाली का मार्ग है, ये निरंतर एक नई ऊर्जा के साथ में समाज में इस चेतना के व्याप को जागरण के लिए काम कर रहे हैं। और आज यहाँ उपस्थित लक्षाधिक लोग इस बात के गवाह हैं कि समाज के चरित्र के निर्माण में श्री क्षत्रिय संघ ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। मित्रों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक बातें हमने की है। जब कुछ राजनीति की बातें लोग कर रहे थे, तब मेरे भी मन में एक विचार आया कि राजनीति की बात, और एक उहापोह किसी स्थिति थी कि राजनीति की बात की जानी चाहिए या इस मंच से नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अंततः मेरे मन में और मेरे हृदय में अवस्थित श्री क्षत्रिय संघ का स्वयं सेवकपन जागृत हुआ, वो जीता और एक राजनीतिक जोत जो है वो हारी, और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि इस संगठन में के कार्यक्रम में बिना किसी राजनीति के भेदभाव के हम केवल और केवल संगठन के लिए, केवल और केवल क्षत्रिय जाति के कल्याण के लिए, और क्षत्रिय जाति का कल्याण भी जो तनसिंह जी ने संदेश दिया, जो दर्शन दिया कि विश्व के कल्याण के लिए क्षत्रिय का उत्थान, उसके लिए काम करते हुए आगे बढ़े। इस लक्ष्य के साथ में कि जो लोग कालजयी हुए, जो लोग अमर हुए, जो चरित्र जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ऐसे अनेक चरित्रों का वर्णन किया जा सकता है, वो चरित्र इसलिए नहीं अमर हुए कि उन्होंने केवल क्षत्रिय की बात की, उन्होंने हमेशा अधिकारों के लिए संघर्ष किया, इसके लिए वो चरित्र कालजयी नहीं हुए। अधिकारों की जगह उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और उस कर्तव्य के कारण से वो कालजयी हो पाए। महाराज शिवी ने जब अपने पैर से कबूतर की जीवन की रक्षा के लिए अपनी जांग में से कबूतर के बराबर मांस का हिस्सा काट करके दिया था,
तो उन्होंने अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य की पालना के लिए दिया था। दुर्गादास राठौड़ जब 20-22 25 साल तक लगातार वन खंडों में हिम जो है घोड़े की पीठ पर चढ़ करके संघर्ष कर रहा था, वो अपने अधिकार के लिए नहीं, वो अपने कर्तव्य के लिए संघर्ष कर रहा था। महाराणा प्रताप जो अपने बेटे के बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देख रहा था, लेकिन फिर भी संघर्षरत था, वो अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए संघर्षरत था। क्षत्रिय समाज में कर्तव्य का ये बोध जागृत करने की ये पाठशाला और ये साधना अनवरत चलती रहे। हम आने वाली पीढ़ियों में जो सहज रूप से संस्कार को स्थापित करने की जो परंपराएं थी, परिवार के साथ में बैठ करके माता बहनें दादा दादी नाना नानी की गोद में बैठ करके जो सहज रूप से संस्कारों का प्रवाह चलता रहता था, वो संस्कारों का प्रवाह निश्चित रूप से इन बदले हुए विश्व व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं क्षीण हुआ है। और उस दायित्व का बोझ उठाने के लिए, उस दायित्व को पूरा करने के लिए श्री क्षत्रिय संघ आज उस कमी को भरने के लिए प्रयासरत है, संस्कारों के निर्माण के लिए प्रयासरत है। हम सब संकल्प करके जाएं कि हम अपने संस्कारों के साथ में जुड़ेंगे और श्री क्षत्रिय संघ की इस साधना का हिस्सा बनेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। आभार।